कंपनी के चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। प्रदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। सर मैं सिग्नेचर ग्लोबल की नंबर्स को चेक कर रहा था, तो प्री सेल्स, कलेक्शन, रेवेन्यू हर फ्रंट पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, कईयों में ट्रिपल डिजिट है, कईयों में डबल डिजिट है, तो नंबर्स प्रामा फेसिक काफ़ी बेहतर लग रहे हैं जो क्वार्टर टू के आए हैं। बट मेरे को जरा पहले इसी के बारे में पूरा थोड़ा एनालिसिस करके बताइए कि क्या क्या इसके पीछे अच्छे कारण बने और ये भविष्य में भी आगे रहेंगे या फिर थोड़ा डाइसी लगता है आपको। नमस्कार डिंपी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और उसका एक ही रीजन है कि जो लॉन्चेस की हमने गाइडलाइन इस साल की दी हुई है कि लगभग 16,000 करोड़ के लॉन्चेस इस साल में हम करने वाले और इस H1 में लगभग H1 तक हम 9,000 करोड़ ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 6,000 करोड़ का सेल नंबर ऑलरेडी हम प्री सेल नंबर अचीव कर चुके हैं। आप ही देखिए, अगर प्री सेल नंबर की मैं बात करूं तो हमारी जो गाइडेंस थी कि 10,000 करोड़ का इस बार प्री सेल नंबर हम अचीव करने वाले हैं, उसमें से ऑलरेडी हम लगभग 60% अचीव कर चुके हैं। ऑफ कोर्स इसका एक ही रीजन है कि जो डिमांड है मार्केट में वो बनी हुई है और हमारा जो की सेगमेंट है जिसे मिड इनकम हाउसिंग हम कहते हैं वो काफी ज्यादा उसकी डिमांड है। लास्ट अगर इंटरव्यू की मैं बात करूं तो उसके अंदर भी आपने दक्षिण प्रोजेक्ट को हमारे कवर किया था, उसके अंदर लगभग जो टोटल पोटेंशियल है उस प्रोजेक्ट का वो लगभग 8,000 करोड़ से कुछ ज्यादा है। उसमें से पहला फेज हमने सितंबर में लॉन्च किया था, जो बिल्कुल लास्ट में 20 सितंबर के नियर अबाउट लॉन्च किया था, उसमें 10 दिन के अंदर ही लगभग टोटल 2,300 करोड़ का सेल हमने उसमें से जनरेट किया है। तो आने वाले वक्त में चाहे आप प्री सेल नंबर के आंकड़ों पर कहें या कलेक्शन की चीजों पर कहें तो मुझे लगता है वो नंबर्स काफी स्ट्रांग है। कलेक्शंस भी अगर आप देखें तो जो कलेक्शंस के अंदर जितना कलेक्शन हमारा पूरा पूरे साल के नियर अबाउट बैठ रहा था उसके अंदर H1 के अंदर काफी बड़ा कलेक्शन हमने उसमें से अचीव कर लिया है, मोर देन 80% लगभग 2100 करोड़ के नियर अबाउट का कलेक्शन हमने 6 महीने में कर लिया है। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस साल की गाइडेंस जो हमने 6,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन की दी हुई है वो भी हम कंफर्टेबली अचीव कर लें। सर जब मैं सारे नंबर्स पढ़ रहा था, आप भी बता रहे थे इसमें एक दक्षिण वाला तो मैटर है ही और एक टाइटेनियम SPR से भी काफी अच्छी कलेक्शन हुई है, सर जरा इसका नंबर बताएंगे, इसका नंबर कितना है, करीब 3,000 करोड़ है क्या? सो देखिए, जो हमने टाइटेनियम SPR किया था उसका जो हमारा जो लॉन्च थे वो लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा के थे, जिसमें से हमने लगभग 2,700 करोड़ अचीव कर लिया था ऑलरेडी। सो आने वाले वक्त में जो टाइटेनियम SPR है उसका फेज 2 भी लॉन्च होना है और जो अभी मैंने जिक्र किया जिसका दक्षिण विस्टा के नाम से, उसका भी फेज 2 जो है वो करंट क्वार्टर के अंदर ही ये दोनों प्रोजेक्ट हम होपफुली लॉन्च कर देंगे। दक्षिण विस्टा तो ऑलरेडी हम करंट क्वार्टर में लॉन्च कर ही चुके हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो हमारा प्री सेल नंबर है हम उस पर बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग व्यू बन लिए हुए हैं कि आराम से हम कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। एंड आपने भी जब भी कवर किया है तो आपने डिमांड देखी है, जिस तरीके से कस्टमर्स का रिस्पांस रहा है वो काफी जबरदस्त रहा है। नहीं सर, मैं तो खुद उस चीज का गवाह हूँ क्योंकि मैं आपके 2-4 जो भी इवेंट हुए उसके अंदर खुद में अवेलेबल भी था और मैंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ थी, तब हमारी आपसे बातचीत भी थी उस समय। तो अच्छा सर, मैं यही पॉइंट करना आपसे चाहता हूँ, जैसे हमने 10,000 करोड़ का टारगेट रखा है कि हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में अचीव कर लेंगे और अभी आप मेरे को बातचीत में ये भी बता रहे थे कि मोर देन 60% तो आपने अचीव कर भी लिया है, तो आगे की गाइडेंस में ये एक्सपेक्ट करूँ कि 31 मार्च से पहले पहले 10,000 करोड़ का नंबर आ जाएगा। ठीक है डिंपी जी, फिंगर क्रॉस, क्योंकि जिस तरीके का एक पैटर्न चला हुआ है, अगर आप इस कैलेंडर ईयर की भी बात करें तो मैं इस आपके सवाल का जवाब ऐसे देना चाहूंगा कि जो इस कैलेंडर ईयर के अंदर लास्ट 9 महीने में 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर की बात करें तो जो टोटल नंबर है हमारा वो लगभग कोई 9,500 के नियर अबाउट का है। तो एवरी मंथ हम 1,000 करोड़ रुपए का सेल नंबर अचीव कर रहे हैं बहुत कंफर्टेबली, तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑफकोर्स मैं उम्मीद भी कर रहा हूं, मुझे लगता भी कि आराम से कंफर्टेबली जो ये टारगेट हमने दिए हैं इसको हम ओवर अचीव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो पैटर्न आपको नजर भी आ रहा।
बिल्कुल। अच्छा सर, मैं थोड़ा एक मैं आप एक सीधा बायर से मैं जरा इन्वेस्टर्स पे आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपके इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं शेयर्स के अंदर। मेरे को आप थोड़ा ये बताइए कि गुरुग्राम जो आपके लिए मेजोरिटी बड़ी मार्केट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं कोई स्लो डाउन का, कहीं पे कोई थकावट का, हालांकि आपके प्रोजेक्ट्स को देख के लगता नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल वैसे पता करना चाहता था आपसे कि कहीं कोई दिक्कत, कुछ ऐसा कोई पॉइंट, कहीं फटीक, कहीं सेचुरेशन, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? देखिए डीपी जी, मार्केट में जो अगर टॉप सेगमेंट की बात करें वहां थोड़ा सा सेचुरेशन नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि पीछे रैपिडली काफी प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल भी बात है कि अगर प्राइसेस कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं तो एक न एक लेवल के ऊपर आकर थोड़ा सा रुकते हैं। सो शायद मुझे लगता है वो पॉइंट अभी शायद गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर ने अचीव भी किया है। लेकिन अगर मैं टिकट साइज की बात करूं, जिसका टिकट साइज 2 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास का है, इस टिकट साइज के अंदर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं हुए लास्ट 6 महीने में। सो उसका जो एक डिमांड था वो काफी ज्यादा अभी पेंडिंग था, और यही एक रीजन रहा है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट था दक्षिण विस्टा जो सोना रीजन में है, उसके अंदर काफी ज्यादा एक एक्साइटमेंट लोगों के अंदर दिखाई दी है। एंड मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ ये जो टिकट साइज है मिड इनकम का, जहां मोस्टली लोग सैलरीड क्लास हैं बायर एंड फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, इसके अंदर जो ग्रोथ है वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी उतनी ज्यादा स्ट्रांग है जो आज से 3 महीने या 6 महीने पहले थी, लेकिन फिर भी अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं तो मुझे लगता है यस, जो एंड यूजर हैं या जो सैलरीड क्लास लोग हैं या जो अपनी इन्वेस्टमेंट भी राइट लोकेशन पर करना चाहते हैं, उन लोगों का इस वक्त एक लेवल पर रुझान बना हुआ है। वो पर्टिकुलर डेवलपर वाइज जा रहे हैं कि जहां राइट साइज, राइट प्राइस और राइट लोकेशन है और साथ में राइट डेवलपर भी है, तो वो जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बस एक छोटा सा सवाल के साथ इस इंटरव्यू को मैं रैपअप करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकिंग हाउसेस ने आपके जो टारगेट दिए, जैसे मैं मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने तो 2000 रुपये तक के भी टारगेट दिए हुए हैं, और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं मार्केट के अंदर। सर आप गुरुग्राम के अलावा मार्केट में खबर ये भी आ रही थी कि आप नोएडा की तरफ भी रीच करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा बाजार है रियल इस्टेट के अंदर, काफ़ी ग्रो भी हुआ है, ये बात में कितना दम है, और अगर बात में दम है तो आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं? सो डीपी जी देखिए, कोई भी कंपनी जो रियल एस्टेट में ग्रो करती है उसके लिए एस्पिरेशन रहती है कि वो दूसरे एरियाज को टैप करें। ऑफ कोर्स हमारी एस्पिरेशन भी है कि आने वाले वक्त में चाहे गुरुग्राम हो या और गुरुग्राम के सटे हुए जितने भी एरियाज हैं, चाहे नोएडा हो या दिल्ली हो, जरूर आने वाले वक्त में हम टैप करेंगे। और ऑफ कोर्स मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में नोएडा में भी जरूर कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हम दिखाई देंगे, क्योंकि अभी कंपनी गुरुग्राम में काफी मेच्योर हो चुकी है। इवन दो हमारे फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे हैं, लगभग पाइपलाइन हमारी 35 मिलियन के नियर अबाउट है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर अब क्योंकि हम बहुत रिस्क जोन से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि मेच्योर हो गए हैं, सो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है किसी भी एरिया को, खास करके नोएडा जैसी जगह को, या जो यमुना एक्सप्रेस वे या ग्रेटर नोएडा है या दिल्ली में भी किसी एरिया को टैप करना, अब मुझे लगता है हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हम हैं। तो आने वाले वक्त में जरूर हम आपको दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बातचीत करके, थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, और आपसे मैंने इशारों इशारों में ये बात पूछना भी चाहा, और आपने बड़ी स्मार्टली उसके बारे में बताया कि कैलेंडर ईयर के अंदर ही आप 9,500 करोड़ देख लेंगे, आपको जरा वेट नहीं करवाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं भी हैं सर कि आप अच्छे से ग्रो भी करें और आप अलग अलग सिटीज़ में भी दिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर समय देने के लिए, थैंक यू। तो मार्केट का अपना तरीका है कैलकुलेशंस करने का, तो प्रदीप जी ने भी आपको ये बात सारी सारी बता दी है कि सिग्नेचर ग्लोबल आगे कैसे ग्रोथ करना चाहता है, और 10,000 करोड़ रुपए का जो नंबर है, एक बड़ा नंबर दिया था उन्होंने, उसके बाद से थोड़ा मार्केट के अंदर शेयर भी ऊपर आया, और अभी नए नए रिपोर्ट्स 2,000 के टारगेट्स भी दे रही हैं।